अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। सो आज में भी है तीसरा या चौथा दिन, इतनी गर्मी है कि पता नहीं चलता है कौन सा दिन है। सो आज तीसरा या चौथा दिन है और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो कल के दिन शॉपिंग की थी वो तो हो गई। ऑलमोस्ट तकरीबन 58 to 60 बकरे हो गए अपने पास में अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है और भी बकरे देखने जाना है आज, ठीक है, तो आज और भी बकरे देखेंगे एंड सारा कुछ कंप्लीट करके इंशाल्लाह आज ही बकरों को रवानगी कर देंगे यहाँ से। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी जिस जगह जाएंगे बकरे देखने वहाँ पे सौदा होना चाहिए अपना, वहाँ पे सौदा होगा तो ही अपना काम आज बनेगा, अदरवाइज अपने को और रुकना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये कुछ सीन है आज का। तो आज का दिन भी घूमने में ही जाने वाला है और एट दी एंड अल्लाह ने अगर चाहा बकरे दिलवाना तो बकरे मिल जाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से बकरे लोड करके हम लोग भी यहाँ से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। यही 4-5 दिन के एतराफ़ में, 4-5 दिन के अंदर ही हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ का, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने होटल चेकिंग किया था यहाँ पे, होटल एक्सप्रेस करके कुछ है और ठीक है, इतना कुछ खास होटल नहीं है, नॉर्मल ही है जैसे मुंबई में मिलता है जो वैसा होता है मतलब, लेकिन बट प्राइस के हिसाब से तो काफ़ी कम है, 1800 से 2000 रुपये प्राइस है इस होटल का। बट इतना कुछ खास नहीं है, बस एसी दे दिया है और कुछ नहीं दिया है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, सारे लोग नीचे चले गए हैं नाश्ते के लिए, मैं भी अभी नीचे ही जा रहा हूँ नाश्ते के लिए, जाके देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे नाश्ता, क्योंकि बाकी सारी जगह पे तो भाई हम लोगों ने सिर्फ वो आलू पराठा वगैरह था तो मैंने कुछ खाया नहीं, मैं बिस्किट और चाय पे ही था कल मॉर्निंग के टाइम पे ब्रेकफास्ट में। आज फोटोज़ वगैरह दिखी है कि भाई इडली वगैरह भी है यहाँ पर, तो देखते हैं इंशाल्लाह अगर मिलता है तो वही खाएंगे। बाकी तो सीन भी जैसा है बाहर का, खड़ी है अपनी गाड़ी और ये है बाहर का सीन भाई, आपसे बंदे लोग ऑलरेडी बैठे कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग अभी तो एक दो लोग ऊपर है, बाकी लोग आ गए हैं, सभी नाश्ता करते, नाश्ते के बाद फिर मिलते हैं बाले पे जहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह और 5-6 बकरों का सौदा हो गया, अभी फ़िलहाल बातचीत हो गई है, सब कुछ हो गया, सौदा हो गया है, इंशाल्लाह रात में जो है शाम के टाइम पे बकरों को लोड कर देंगे उनको भी बाकी के बकरों के साथ में। तो अभी और एक दो जगह जा रहे हैं, मतलब जो कोटा कंप्लीट करना है उसमें भी कुछ बकरे अभी भी बाकी है। ये जो बकरे थे ये सिर्फ 5 बकरों का सौदा हुआ है, तो 5 बकरे हम लोगों ने लिए हैं अभी फ़िलहाल और अभी देखते हैं और आगे चल के। हम लोग अभी फ़िलहाल यही गांव में घूम रहे हैं जब से, ठीक है। सो इंशाल्लाह अभी चलते हैं, अभी दूसरी जगह 5-6 किलोमीटर के बाद में अपने को पड़ेगी। अब यहाँ पे रुके हैं बस ऐसे ही, थोड़ा यहाँ हवा भी आ रही थी तो किसी भाई के नंबर के लिए भी रुके थे, मिल गया है नंबर वगैरह, फटाफट निकलते हैं यहाँ से दूसरी जगह जाते हैं। और इंशाल्लाह इरादा यही है कि आज ही कम्प्लीट करना है और आज ही कम्प्लीट करके यहाँ से रवानगी हो जाएगी लोड करवा के, ठीक है। बस यही है आज का, देखते हैं अभी कहाँ जाने मिलता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर निकलो तो चटका मार रही है, इतनी गर्मी है, हो सकता है 43-44 के ऊपर जा रही है भाई डिग्री, बहुत गर्मी है। मतलब बॉम्बे का या दूसरी जगह का बंदा जो होता है ना वो यहाँ पे बाहर निकल नहीं सकता है बिना एसी की गाड़ी के, अगर वो जाके ट्रैवल कर रहा है तो उसकी हालत ख़राब है भाई, ठीक है। तो देखते हैं अभी फ़िलहाल यहाँ से और कितना टाइम हम लोग रुके हैं, मे भी शायद 5-10 मिनट और रुकेंगे उसके बाद यहाँ से निकलेंगे और देखते क्या और देखने मिलता है इंशाल्लाह। लेकिन इतना होप है कि अल्लाह सारा काम करवा देगा आज के दिन पे इंशाल्लाह, अपना जो बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से रवानगी भी हो जाएगी आज के दिन पे। देखते अभी आगे बताता हूँ मैं आपको आगे। घूमते घूमते भाई दोपहर हो गई है, जोहर की अजान हुई अभी, ठीक है। हम लोग फिर से मतलब यही गाँव में घूम रहे हैं और नमाज़ के लिए भी आए हैं यहीं पर ही, जिस मस्जिद में हम लोगों ने पहले नमाज़ पढ़ी थी, जामा मस्जिद। तो घूमते घूमते भी वापस यहीं आए हैं क्योंकि अपना जो भी ख़रीदा, जो भी चीज़ खरीदे हम लोगों ने वो सब यहीं से हुआ है, ये गांव से हुआ है। तो अभी देखकर आए हैं और कुछ न देख कर आए थे वहाँ पे भी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी जैसे मैंने बताया कि वो सौदा हुआ है एक, तो अभी देखते हैं आगे। और देखे तो है लेकिन सौदा जमानी बहुत हाई रेट बोला जा रहा है अभी, पता नहीं क्यों इतना हाई रेट हो गया, बट फिलहाल एक दो जगह और है इंशाल्लाह वहाँ हो जाएगा। और बाकी अपनी गाड़ी देखो भाई, अपनी ये गाड़ी तो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गाड़ी पहुँचेंगी सीधा मुंबई, अब गाड़ी वाड़ी सब रेडी है,
बस कुछ नगौल लेने हैं, तकरीबन 15-16 नगौल लेने हैं। वो 15-16 नग लेके सारा जो है गाड़ी में चढ़ेगा और मुंबई के लिए रवानगी, और अपनी भी रवानगी आज ही हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी जहर का टाइम हो गया है, तो फिलहाल नमाज़ पढ़ लेते हैं जहर की, एंड उसके बाद में जब जाएंगे बाड़े पे तब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके के बकरे वहाँ पे मिलेंगे। अभी A few moments later, ये आए अभी एक और मंडी देखने के लिए। ये देखो बकरे, ओह ओहो, एक्टिव है माशाल्लाह, बकरे एक्टिव है, अभी देख रहे हैं, निकाल रहे हैं, बात करेंगे। बाकी बकरे वहाँ से छाटे जा रहे हैं, कुछ बकरे छाट लिए यहाँ पे और कुछ बकरे अभी भी छाट रहे हैं। देखते हैं अभी क्या मिलता है अपने को, मतलब बकरे तो अच्छे हैं लेकिन क्या प्राइस है, क्या मिलेगा, कितने प्राइस में मिलेगा, वो सब देखना बाकी है। जो भी है फाइनल होगा, जो फाइनल होगा बताता हूँ इंशाल्लाह, शायद से काम हो जाए यहाँ पे। अब देखते हैं, ये अभी एक एक करके जो है बकरे थोड़े निकाल के देख रहे हैं कि क्या है। ये देखो भाई कितने एक्टिव बकरे। अस्सलाम वालेकुम भाई, फाइनली ये आखिरी बाड़ा था, हम लोग ऐसे ही निकले थे यहाँ पे गांव की तरफ, तो ये नज़र आ गया था। तो ये आखिरी बाड़ा था जहाँ पे हम लोग घुसे, ये बेसिकली घर है किसी का और यहाँ के लोग जो है घर में पालते हैं मोस्टली बकरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी बाड़े में जो है अपना सारा काम निमट गया, जितने नग हम लोगों को ख़रीदने थे सारे नग ले लिए अपने। और ये देखो यार, इसको चेक मारो, ये बकरा है 100+ पे, ये 100+ पे है भाई। ऐसी रोई नसल 100+ का है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, तकरीबन होगी इसकी 40 के अराउंड में हाइट है इसकी और वेट में 100+ है। अब बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, बहुत एग्रेसिव है। अब बाकी दूसरी जो है आप तो है ना, मैं बताता हूँ, जब भी नहीं कुआते हैं बकरे, बाकी दूसरी बकरे ये देखो, बाकी दूसरी बकरे ये है अपने सारे। ओके, बहुत अच्छी नस्ल, बहुत अच्छे रेट में अपने को मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है ये सारे बकरे जो है आपको इंशाल्लाह महापोली में मिलेंगे, गैफा गोट फार्म पे। ठीक है, महापोली गैफा गोट फार्म पे आपको ये सारे बकरे मिलेंगे, तो आना चेक करना। वो जो अंडूल है 100+ वो भी मिलेगा इंशाल्लाह आपको। तो सारे बकरे अप फॉर सेल रहेंगे महापोली में, भिवंडी में जो है, भिवंडी के आगे वाला महापोली, चावे फाटा रोड पर, गैफा गोट फार्म करके नाम है। ठीक है, तो ये अपना फाइनल सफ़र यहीं ख़त्म होगा यहाँ पे। ये बकरे अभी सारे लोड हो गए, लोड करवा के जो है बकरे जैसे निकलेंगे उसी के बाद हम लोग भी यहाँ से निकल जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम ख़त्म हो गया अपना यहाँ का, राजस्थान का, और बस अभी यहाँ से निकलना है अपने को। ठीक है, तो मिलते हैं अभी आगे चल के, देखते हैं अभी वो कैसे लोड होगा, क्या क्या, कब तक लोड होगा, कितना टाइम लगने वाला है अपने को लोड में, और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ आगे की कहानी। ठीक है, मिलते हैं थोड़े टाइम में, जब गाड़ी को लोड करेंगे तब मिलते हैं भाई। लेकिन एक बात सही बोलूँगा मैं, अभी वीडियो में आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं, हम लोग जा रहे हैं सौदा कर रहे हैं, जा रहे हैं सौदा कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने जो है सौदा जितना भी किया है ना, सब ट्रैवल कर करके किया है, सब ट्रैवल कर करके। हम लोग बहुत बहुत छोटे छोटे गांव से भी जा के हम लोगों ने बकरे देखे, काफ़ी दिन लग गए हमारे, 3 से 4 दिन लग गए, हम लोग बहुत जगह पे घूमे हैं और तब जाके जो है हम लोगों को बकरे मिले हैं। मतलब इतना आसान नहीं है बकरे मिलना, राजस्थान में लोग बोलते हैं बकरे बहुत मिलते हैं, बकरे हैं बट बजट में अपने हिसाब से बकरे मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे ऐसे बकरों के रेट भी ये लोग 500 के हिसाब से लगा के देते हैं, 550 के हिसाब से लगा के देते हैं, मतलब वेट पे तो नहीं बेचते हैं, बट जब हम वेट से कैलकुलेट करते हैं तो उसका वो उसी हिसाब से निकल जाता है। तो इसीलिए बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतना ईजी नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल होता है बकरे ढूंढना और बकरे ढूंढ के बजट में लेना, तो बस ये मुझे बताना था आपको। मिलता है लोडिंग के टाइम पर, जो आपको बताता हूँ भाई। ये चल रहा है माइग्रेशन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, ले जाओ जाओ, हट, हाँ
ऑलमोस्ट पहुंच गए भाई ट्रक के पास। अब इसमें और भी बकरे हैं, 9 बकरे अलग जगह पे, 4 बकरे अलग जगह पे, 5 बकरे अलग जगह पे। अब उस जगह पे जो है ट्रक से ही आता जाना लगा रहेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये रहे सारा लॉट, और एक लॉट है आगे की तरफ जो 47 50। तो अब यहाँ से जो है इनको लोड करवाएंगे स्लोली स्लोली, काम करते हैं, ठीक है भाई। बहुत हालत खराब है, बकरे चढ़ा रहे हैं अभी हम लोग, ऑलमोस्ट 22 नग चढ़ा चुके हैं। कोई आदमी है ही नहीं ना, तुम्हारे आदमी आए उनको बोलो ना थोड़ा सा। अरे वो आदमी कच्चे हैं यार, नहीं है वो। ऊपर नीचे 22 नग चढ़ा चुके हैं, अभी और भी नग चढ़ाने बाकी है भाई। बहुत मेहनत लग रही है, इनके बंदे भी है लेकिन हम लोगों को भी मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत हालत खराब है। तो अभी वीडियो तो बना नहीं पाऊंगा क्योंकि बकरे चढ़ाने में लगा, किसी को दे भी नहीं सकता। कभी चढ़ाने के बाद में बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बकरे चढ़ गए हैं, बस एक जगह और जाना है, वहाँ पे भी 9-10 बकरे हैं, वो बकरों को भी चढ़ाना है। बहुत मेहनत लगती है यार सच्ची में। मैं नहीं कर पाया वीडियो क्योंकि सारे बकरे चढ़ाने थे, उनके भी आदमी थे, हम लोग भी थे, तो सब लोग मिलके जो है बकरे चढ़ा रहे थे। जितना चढ़ा पाया उतना चढ़ा लिए। हालत बहुत ख़राब हो गई है, हाथ में धोके बैठा हूँ, हाथों पर भी काफ़ी ज़्यादा निशान आ गए हैं भाई। ये देखो निशान, देखो ये सब बकरों के पैरों के निशान हैं। हो गया ऑलमोस्ट सब कुछ, और एक दो जगह रुकना है, वहाँ से कुछ बकरे चढ़ाने, उसके बाद रवानगी है भाई सीधा यहाँ की, ठीक है। तो ये देख लो, बाकी ट्रक हमारा सेट हो गया है, सारे बकरे ऊपर नीचे सब सेट हो गए। अब इंशाल्लाह बस यहाँ से निकलना है, और अपनी गाड़ी भी रेडी है, तो यहाँ से बैठेंगे और फिर निकलते हैं सीधा बॉम्बे के लिए। अभी रात है तो जाहिर सी बात है पूरी रात हम लोग सो के ही निकलने वाले हैं। मतलब एक ड्राइवर जो होगा, जो चलाएगी गाड़ी, वो तो जागने वाले हैं, बट बीच में शायद रुक के खाना पीना खा के फिर जो ड्राइविंग सीट पे वो चेंज हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह निकलते हैं यहाँ पे अल्लाह का नाम लेके, देखते क्या होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी निकल गई अपनी, और अभी हम लोग रुके फ़िलहाल एक होटल में, क्योंकि हम लोगों ने सुबह में सिर्फ नाश्ता किया था, खाने में कुछ नहीं खाया, लंच में कुछ नहीं किया है, और अभी भी जो है काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। बीच में सिर्फ मॉर्निंग का नाश्ता था, जो कि थोड़ा बहुत पोहा खाया गया था और चाय वाय पी गई थी बस, उसके अलावा और कुछ नहीं था। अभी जो है गाड़ी निकल गई है बॉम्बे के लिए, और हम लोग जो है फ़िलहाल एक होटल में रुके, नाम मुझे याद नहीं है, बट होटल शिमला करके कोई होटल है, यहाँ पे रुके हैं। और यहाँ पे जो है थोड़ा रेस्ट करके नहा वहा के फ्रेश होके खाना खाएंगे, और उसके बाद में बॉम्बे के लिए रवानगी हो जाएगी। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ जिनकी वजह से हमारी ये राजस्थान की जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कम्प्लीट हुई है। इनका नाम है डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब, इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इनकी गाइडेंस की वजह से हमारी राजस्थान की खरीदारी बहुत अच्छे से हो पाई। ना ही सिर्फ राजस्थान की खरीदारी, बट इन्होंने हमें फार्म को सेटअप करने के लिए भी बहुत हेल्प किया है। और इनके साथ में हाजी रमजान साहब के भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हम राजस्थान घूम पाए, और राजस्थान के हर एक गलियाँ उन्होंने घुमा दी हमें बकरों के लिए। सो ये जो डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब हैं और हाजी रमजान साहब हैं, ये दोनों मिल के ही काम कर रहे हैं 2007 से, एंड इंशाल्लाह अभी आपको आगे निज़ामुद्दीन साहब और हाजी रमजान साहब हमारे साथ दिखाई देंगे, क्योंकि हमारी जब भी कोई भी ख़रीदारी होगी राजस्थान से या कोई भी लोकेशन से, ये हमेशा हमारे साथ होंगे, एंड बस यही बताना था आपको भाई। माशाल्लाह मेरे सामने बैठे हैं हाजी रमजान साहब, और अपने साइड में बैठे हैं अब्दुल्ला भाई। तो हाजी रमजान साहब जो है जयपुर के रहने वाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारा मार्केट जानते हैं जयपुर का, और पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी हमारे साथ में ही थे। इन्होंने ही हमें यहाँ पे सारा मार्केट का जो भी बकरे वकरे लेने थे सब हाजी रमजान साहब हमें करवा देते हैं। इंशाल्लाह रमजान हाजी रमजान साहब आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए ज़रा, पब्लिक को मालूम पड़े तो पब्लिक इंशाल्लाह आपको कांटेक्ट करेगी, आप उनको अपने हिसाब से उनको भी दिखा सकते हो बकरे। बता दीजिए अपना नाम क्या है, क्या है? मोहम्मद रमजान है सर, और मैं टोडाभीम गाँव का रहने वाला हूँ, करौली डिस्ट्रिक्ट में है टोडाभीम, राजस्थान में। क्या क्या बकरों में डील करते हैं? बकरे सोजन, सिरोही, तोतापरी, जमुनापारी और मालवा भी लाते हैं कभी कभी। माशाल्लाह सब बकरे मिल जाएंगे इनके पास से, सारा मार्केट जानते हैं, सारे मार्केट घुमा देंगे, जो भी बकरे चाहिए आप लोगों को सारे बकरे दिला देंगे।
और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है हम लोगों ने जो भी नग खरीदे वो सिरोही के नग खरीदे, और जो है हाजी रमज़ान साहब ने हम लोगों को सारे नग दिलाए अभी इस बार भी, और पिछले टाइम भी हमने सोजत का माल खरीदे थे तभी भी हाजी रमज़ान साहब ने ही दिलाए थे हमें भी। तो इंशाल्लाह आप इनको कॉन्टेक्ट कीजिए, हाजी रमज़ान साहब अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9413034786। मैं नंबर जो है इस पे स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, और आप लोग इंशाल्लाह इनको कांटेक्ट करना अगर आपको बकरे लेने हैं जयपुर से, राजस्थान से, कहीं से भी लेने हैं तो इंशाल्लाह इन्हें कांटेक्ट कीजिए। बहुत सही दामों पे आपको बकरे मिल जाएंगे यहाँ पे, और आपको बहुत सही क्वालिटी माल मिलेगा यहाँ पे, कोई चीटिंग वाला काम नहीं है। बहुत लॉयल पर्सन है ये। अब्दुल्ला भाई भी कुछ बताएंगे इनके बारे में, अब्दुल्ला भाई भी काफ़ी साथ में थे इनके साथ में, बताइए अब्दुल्ला भाई। देखिए भाई, हम तो 3-4 दिन गुजारे इनके साथ, जो है अच्छा खासा लंबा सफ़र रहा अजमेर में। जो बकरे इन्होंने दिलाए वाकई बहुत क्वालिटी के बकरे हैं, वो तो आप जब माल उतरेगा, आप जब गैफा गोल्ड फार्म में आएंगे तो आपको खुद ही देख लेंगे। अब बात रहे इनकी लॉयल्टी की, तो बहुत ही बेहतरीन आदमी है ये। इनका जो रवैया है और जो इनकी पहचान है और इनकी मेहनत है, वो आप जो है बकरों में खुद देख लेंगे। जो जैसे इन्होंने मेहनत करके दिलाया है, भाग दौड़ करी है, और भाव जो भाव में इन्होंने दिलाया, वो भाव कोई और दिला भी नहीं पाएगा। और हम चाहेंगे कि और लोग भी जो इनके थ्रू ही जो है यहाँ मार्केट में आए और बकरा खरीदे। सही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हम लोग तो बहुत खुश है भाई, हमारे जो भी परचेजिंग हुई है जितनी यहाँ पे। और आप लोग भी इंशाल्लाह कांटेक्ट कीजिए, जो भी जब भी कोई भी सीज़न में आपको बकरे लेने, भले ही वो बकरा ईद के हिसाब से ले रहे हो या फिर आप पालने के लिए बच्चे ले रहे हो, जो भी ले रहे हो इंशाल्लाह कांटेक्ट कीजिए, आपको सही दाम में बकरे मिल जाएंगे। और बाकी क्वालिटी की अगर बात करूँ तो मैं आगे की वीडियो भी डालूंगा अपने बकरों की वीडियो की, जो भी हाजी रमज़ान साहब ने हमें दिलाया है, तो वो भी देख लेना, क्वालिटी भी चेक कर लेना आप लोग, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो आप इन लोगों को हाजी रमज़ान साहब को ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, भले ही कुछ पूछना भी हो तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। नंबर मैंने डाल दूंगा मैं स्क्रीन पे, तो इंशाल्लाह आप लोग कॉन्टैक्ट करना। तो भाई ये थे अपने हाजी रमज़ान साहब, मतलब सच्ची बात बताऊँ ना भाई, बहुत लॉयल पर्सन है। आप लोग आओ, आँख बंद करके भरोसा करो, बहुत जेन्युइन है, कोई तरीके का कोई भी चीटिंग जैसा कुछ काम नहीं है। आप जो बोलोगे उस तरीके से काम होगा। बाकी तो अभी अपडेट यही है कि बस हम लोग अभी होटल में थे, खाना पीना हो गया है, और रात के बज गए हैं तकरीबन 1:30 से 2 या 2:30 बज गया होगा कुछ समथिंग, हाँ 1:30 2:30 ऐसा कुछ बज गया है, मैंने चेक नहीं किया। तो अभी फ़िलहाल निकल रहे हैं हम लोग मुंबई के लिए, गाड़ी निकल चुकी थी ऑलरेडी हमारी 1.5 घंटा पहले, ठीक है। हम लोगों ने खाना नहीं खाया था सुबह से, लंच मतलब सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, तो इसीलिए हम लोग खाने के लिए रुके थे यहाँ पे होटल शिमला में। खाना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सब रेडी हो रही है, गाड़ी वहाँ रेडी है अपनी, और अभी बस निकल रहे हम लोग यहाँ बॉम्बे के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ऑफिस से पहुँच जाए घर, फिर आपको वहाँ पर सारे बकरे भी दिखा देंगे अच्छे से, तो मिलते हैं बाद में। टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, और हम लोग तो पहुंच गए हैं गैफा गोल्ड फार्म महाबली, पहुंच गए हम लोग अपने फार्म पर, और हम लोग ही नहीं अपनी गाड़ी भी पहुंच गई है फार्म पर, ये रही अपनी गाड़ी बकरों वाली, और अपन भी पहुंच गए हैं। तो अभी बस बकरे उतारेंगे, और बकरे उतार के जो है घर के लिए रवानगी कर लेंगे, क्योंकि बहुत नींद आ रही है। और बाकी के जो भी बकरे हैं, क्या क्वालिटी है, सारे बकरे जो है अपने गैफा गोल्ड फार्म के भी जो भी बकरे, ये सारे बकरे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी बस आपको इतना बताना था कि आपने अपनी गाड़ी और आप गैफा गोल्ड फार्म पे पहुंच गए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए फी अमन मिल्ला।